लोग मुझे विलन कहते हैं, लेकिन पहचान बनाना एक दिन का काम नहीं, बरसों की मेहनत और लगन तब जाकर बनता है नाम। जैसे सर्वो कॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वो कॉन रखे सब कंट्रोल में। जब आप किसी को एक ग्लास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट, तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोर्ब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोर्ब्स प्योर वाटर सॉल्यूशन। मुबारक हो, आपकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। बेटी? क्या मैं रेनू से मिल सकता हूँ? हाँ, वो थोड़ी देर में वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप मिल सकते हैं। आपकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है। बेटी को जन्म दिया है। साल बाद तूने बच्चा दिया, वो भी लड़की। अरे क्या करूंगा मैं इसका, सारी जिंदगी कमाकर दहेज इकट्ठा करता रहूं मैं इसके लिए। अरे घर कहां से पालूंगा मैं, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, लड़का। सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या करूं मैं इस लड़की का, कैसे छुटकारा पाऊं इससे। सोच रहा हूं कहीं छोड़ के ही आ जाऊं, मंदिर ठीक रहेगा। हे माता रानी, ये बच्ची को मैं तेरे हवाले करके जा रहा हूं।
अब तू इसकी रक्षा करिए, मुझे लड़की नहीं चाहिए। बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है? वहां शायद कुछ। अरे यहाँ कौन छोड़ गए बच्चे को यहाँ पे? बेटा नो 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 जालिम इतना कैसे हो सकता है? इतने प्यारे बच्चे को यहाँ छोड़ गया। अरे भाई कोई है यहाँ? कौन छोड़ गया इसे? सिस्टर एक मिनट। सिस्टर मेरी वाइफ रेनू रूम में नहीं है। उनका तो ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन? किस बात का ऑपरेशन? आपके रूम में से जाने के बाद वो अपने बेड से गिर गई और उनको बहुत चोट आई है। आप जाइए और जाकर उनको देखिए, वो भी ऑपरेशन थिएटर में है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बेटी को मैं छोड़ आया और बीवी का ऑपरेशन। हे माता रानी, सब ठीक ही रखना। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी रेनू। आपकी पत्नी को बहुत गंभीर चोट आई है, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएंगी। माँ नहीं बन पाएगी? अब आप अपनी बेटी का अच्छे से पालन पोषण करें और उसे अच्छी परवरिश दें। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अपनी बच्ची को छोड़ के भी आ गया, अब मैं क्या करूं? कौन छोड़ गया इसे? मेरी बेटी को लेके आता मैं। अरे भाई कोई है यहाँ? हे भगवान, हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे कोई है? अरे मेरा बच्चा था यहाँ पे। अरे कोई है? ए माता रानी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मेरा बच्चा। अरे ये क्या कर दिया मैंने? मेरा बच्चा। जल्दी आइए, देखिए हम क्या लाए आपके लिए। दरवाजा खोलिए भाई। या अल्लाह खैर, आप तो नमाज पढ़ने गए थे, पर ये क्या है? अरे बेगम अंदर तो आने दीजिए। असल आज हमने सोचा कि शहर के बाहर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ा था। डॉक्टर ने चलने के लिए भी कहा था, वो रास्ते में मंदिर पड़ता ना, वहाँ ये बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने जाकर गोद में उठा लिया, फिर इधर उधर बहुत आवाजें लगाई,
जब किसी का जवाब नहीं आया तो मैं उठा के घर ले आया इसे। आप तो कमाल करते हैं, नमाज पढ़ने गए थे, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ यहाँ पर। अरे पहले संभालिए तो सही इसे, थक गया मैं, इतनी दूर से उठा के ला रहा हूँ। माशाल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा है। बच्चा नहीं बेगम, बच्ची। अल्लाह ने हमारे घर में नेमतें भेजी हैं, इतने बरसों से मैं बच्ची बच्ची बोल रहा था, आज अल्लाह ने हमारी सुन ली। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मौला, तूने हमें बेटी दे दी। कौन आया है अम्मी? तेरी बहन आई है बेटा, अल्लाह ने तुझे बहन दी है। लाओ लाओ मैं भी देखूंगा। ना ना बेटा गिर जाएगी, बहुत छोटी है ना अभी। अच्छा बेगम तो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। वो तो ठीक है, पर एक बात बताइए, ये बच्ची मंदिर में मिली है तो किसी हिंदू की होगी? छोड़ो ना बेगम, क्या हिंदू क्या मुसलमान। वो तो ठीक है, पर इसका नाम क्या रखेंगे हम? अरे माँ दुर्गा के मंदिर में मिली है बेगम, तो आज से इसका नाम दुर्गा ही होगा। अच्छा बेगम मैं चलता हूँ, लगता है बच्ची भूखी है, आप दूध का इंतजाम कीजिए इसके लिए। मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ ले गए थे आप उसको? धीरज रख, बोलो कहाँ ले गए थे उसको? बताता हूँ, मैं बच्ची को उठाकर यहाँ से जंगल वाले मंदिर में ले गया और वो बच्ची वहां नहीं मिली मुझे। दुर्गा बिटिया चलो उठो, स्कूल नहीं जाना आज, देखो क्या टाइम हो गया है। आज संडे है मम्मी, मुझे सोने दीजिए। या अल्लाह मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। हे माता रानी, जब मैंने भूल की थी तो ये जंगल था, यहाँ कुछ भी नहीं था। माता रानी तूने अपना मंदिर तो बनवा लिया पर मेरी बेटी अभी तक नहीं लुटाई। माँ मुझे क्षमा कर दे, मेरी बेटी मुझे लुटा दे माँ लुटा दे, बहुत दुखी हूँ माँ। मेरे घर में कुछ भी नहीं रहा, मेरी पत्नी सारा दिन रोती रहती है। माता रानी आप दया कर दे, क्षमा कर दे माँ, मेरी भूलों को क्षमा कर दे, मेरी बच्ची लौटा दे माँ। अरे दुर्गा बिटिया आज आपको होमवर्क नहीं मिला? नहीं पापा जी। क्यों? आज हमारी टीचर कह रही थी जो बच्चा सबसे अच्छी कविता लिखेगा उसे इनाम मिलेगा। अरे वो, फिर आपने लिखी कोई कविता? हाँ जी पापा जी। क्या लिखी हमको भी सुनाओ। किसी पिता की दुलारी किसी माँ की जान हूँ, कोई खिलौना नहीं मैं भी एक इंसान हूँ, किसी की बेटी बनकर आती हूँ, किसी की बहन कहलाई जाती हूँ, किसी की पत्नी बन जाती हूँ, कोई खिलौना नहीं मैं भी एक इंसान हूँ। जली मैं दहेज के कारण कहीं, बनी किसी दरिंदे का शिकार कभी, पूछते रहे देवी बनाकर लोगों के सामने, वो ही बन चुके हैं मेरे दुश्मन अभी। मत सोच कि मैं लड़की हूँ तो तेरे कदमों की गुलाम हूँ, तेरे हाथों का खिलौना नहीं मैं भी एक इंसान हूँ। अरे वाह मेरी दुर्गा बिटिया, माशाल्लाह इतनी अच्छी कविता बनाई आपने तो, हैं?
हम आपको प्राइज देंगे आज। ठीक है, आपको पसंद है ना जो चॉकलेट वो खिलाएंगे हम। और कुछ चाहिए? पापा प्यास लगी है, पानी चाहिए। बेगम, दुर्गा के लिए पानी लाना। दुर्गा, दुर्गा बेटा, उठ जा बेटा, मंदिर नहीं जाना है क्या? ये ले भाई, तेरा चाय भी ले आया, चाय पी ले बेटा, उठ जा। नमस्ते पापा। नमस्ते की बच्ची, ले चाय पी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, चाय पी ले नकचड़ी कहीं की। देखो ना पापा, भैया मुझे रोज नकचड़ी कहते हैं। अच्छा, सॉरी बाबा। ये बता दुर्गा, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है ना? हाँ भैया, दुआ करो मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ। या अल्लाह, ये दोनों भाई बहन को किसी की नजर न लगे। पति की सजा मुझे मत दे, मेरी खोई हुई बेटी लौटा दे माता रानी। हे दुर्गे माँ, मेरी खोई हुई बेटी लौटा दे। मम्मी, पापा, लकी भैया, क्या हुआ दुर्गा बेटी? देखो मैं पास हो गई। अरे वाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटी को तूने इंटर में पास कर दिया। अल्लाह हमारी बिटिया की सारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। चलो इस खुशी के मौके पे आज उसी मंदिर में चलते हैं जहाँ अल्लाह ने दुर्गा बिटिया को हमारी झोली में डाला। बिल्कुल पापा, चलते हैं। चलो आओ। माता रानी, आज मुझे 17 साल 3 महीने 2 दिन हो चुके हैं तेरे दर पे आते हुए। अगर आज तूने मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलवाया तो माता रानी मुझे तेरी कसम है, तेरे दर के ऊपर अपना सिर फोड़ फोड़ के अपनी जान दे दूंगा। सुनिए, क्या कर रहे हो? लग जाएगी आपको, आपको मेरी कसम, मत कीजिए। अरे अरे भाईजान, अरे अरे क्या कर रहे हो भाईजान? अरे अरे सिर क्यों पीट रहे हो भाईजान?
क्या हो गया? अरे सुनो तो, एक मिनट, अरे अरे ऐसे मत रो, बात सुनो बात। क्या बात है भाईजान, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। क्या बात है बताओ ना, क्यों सर पीट रहे थे? मैंने 17 साल पहले मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, उसकी सजा भी भोग रहा हूँ। आखिर हुआ क्या था? भाई आप लोग चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ ना, बताओ क्यों सर पीट रहे थे? आज से ठीक 17 साल पहले मेरी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। सुबह 4:30 बजे जंगल वाले मंदिर में ले गया। आपकी पत्नी को बहुत गंभीर चोट आई है जिसकी वजह से वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएंगी। बेटे के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। 17 साल हो गए मुझे इस मंदिर में आते हुए, क्षमा मांग मांग के थक गया हूँ। माता रानी ने मुझे कुछ नहीं दिया, ना मेरी बेटी मुझे मिली, ना माता रानी मुझे माफ किया। अरे जालिम इंसान, एक छोटी सी बच्ची को रात के अंधेरे में जंगल में छोड़ के भाग गए। बेटे के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तुमने ये भी नहीं सोचा कि उसको अगर कोई जानवर उठा के ले जाता तो? नहीं, मैं वापस आया था पर मेरी बेटी मुझे मिली नहीं। हाँ वापस आए थे तुम, हाँ, अगर वो डॉक्टर तुम्हें ये नहीं बोलता कि अब तुम्हारी बीवी को कभी बच्चा नहीं होगा तो शायद तुम नहीं आते। बेटी तो मेरी खोई है, पर आप क्यों रो रहे हो? जिसे तुम अपनी बेटी कह रहे हो ना, वो 17 साल से मेरे घर में बन रही है, मेरी बेटी बनकर। जो लड़की आपने फेंकी थी आज वो मेरी बहन है। मैं कुछ समझा नहीं। आज से 17 साल पहले डॉक्टर ने मुझे टहलने के लिए कहा था क्योंकि मैं हार्ट का मरीज हूं, तो उस रोज मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए शहर से दूर वाली मस्जिद में जाना चाहता था, साथ में मेरी सैर भी हो जाती है, तो इसलिए मैं निकला और इस जंगल से होता हुआ जा रहा था, तो रास्ते में जो मंदिर है तो वहां से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। माफ कर दो आप सब मुझे, 17 साल 3 महीने 2 दिन से पछता रहा हूं। कहां है मेरी बेटी? माफ कर दो आप सब मुझे। माफ कर दो? क्या माफ कर दो? मुझे पैदा करके मंदिर में फेंक गए, शर्म नहीं आई? तुम्हारी फेंकी हुई बेटी को सीने से लगाकर पाला है किसने? इन्होंने, एक मुसलमान होते हुए और ये जानते हुए कि एक हिंदू की लड़की है, फिर भी मुझे पाला, पढ़ाया, बढ़ाया और हिंदुत्व सिखाए किसने? इन्होंने, मुझे पैसे देके मंदिर भेजा किसने? इन्होंने, मुझे संस्कृति की जानकारी और गीता का ज्ञान दिया किसने? इसने, ये मेरा भाई है, मेरे साथ सारी सारी रात जाग कर गुजारी किसने? इसने, ये मेरी माँ है। बस कर बेटी, वो तो हमारा फर्ज था। हाँ बेटी, तेरे पे कोई एहसान नहीं किया, वो तो हमारा फर्ज था। माता रानी तो मुझे क्षमा कर दिया, अब तो बेटी तू भी मुझे क्षमा कर दे। एक तरीका है एक तरीका। बेटी, जिससे तो हमारी बेटी भी बनी रहेगी और इनकी भी। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर रहें,
किसी बात को मना नहीं कर सकती पापा। आपने मुझे जीवन दिया है, भले ही ये मेरे साथ रहे, लेकिन माँ बाप मेरे आप ही होंगे। बेटी भगवानों के घर पैदा होती है, उनका फर्ज है उसे पढ़ाएं, लिखाएं और आगे बढ़ाएं। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी को ही मार दोगे तो जिस बेटे की चाहत है उसके लिए दुल्हन कहाँ से लाओगे? बेटियों का कत्ल करने वालों को ये समझना होगा। अंकल, बेटी माँ भी होती है, बेटी बहन भी होती है और बेटी पत्नी भी होती है। समझे? बेटी अवतार भी होती है। अरे बक बक, ये मत लिए।